वालेकुम दोस्तों, आज 10 रमज़ान मुबारक 12 अप्रैल मंगल का दिन, आज मैं फिशरी में मौजूद हूँ। 6:30 बजे का टाइम है। मैं आपको आज अपडेट दूंगा मछली के रेट के हवाले से कि क्या रेट है। ये लूबस्टर है 2000 रुपये किलो, साफ दाने हैं 2000 रुपये फी किलो के हिसाब से कह रहे हैं ये बंदा। और इसके बैक साइड पे झींगा पड़ा हुआ है, बड़े वाले दाने हैं और ये 800 रुपये किलो कह रहे हैं, 800 रुपये पी किलो के हिसाब से। ये ट्यूना का एक लॉट पड़ा हुआ है, काफ़ी सारा जो है ना मछली है, इसके भी बोली लगी नहीं कि ये कितने में बिक रहे हैं। व्यापारी कड़े हुए हैं लेकिन इसका अभी बोली लगी नहीं है कि कितने का बिकेगा। ये दूतर फिश है 400 रुपये किलो। और यहाँ पे सारम है 380 रुपये किलो के हिसाब से। ये टाट मछली है, ये है 600 रुपये किलो। और ये ब्लैक पापलेट है, इसका भी रेट है 600 रुपये किलो। यहाँ पे हीरा है 600 रुपये किलो, अच्छे दाने हैं। और ये करंचा है 450 रुपये, और मुल्ला कभी 400 रुपये कह रहे हैं फाइनल। और ये मुश्का है 500 रुपये किलो है, फाइनल कह रहे हैं 500 रुपये। और राउस का भी 450 रुपये कह रहे हैं, ए ग्रेड का माल है 450 रुपये। और ये कुन है 250 रुपये कह रहे हैं, लेकिन माल जो है ना नरम है। और ट्यूना 120 रुपये कह रहे हैं फाइनल। यहाँ पे 750 रुपये है किंग फिश। और यहाँ पे ये पड़े हुए है एमरोस, अमरूद 350 रुपये कह रहे, लेकिन नरम है दाने, थोड़ा माल नरम है। और ये हीरा का भी जो है ना 550 रुपये कह रहे हैं। दोस्तों ये एक दाना मैंने लिया है, ऑर्डर का दाना है, ये किसी भाई ने ऑर्डर दिया था। अमरूद है, अच्छा दाना है, ए ग्रेड का दाना है, साफ सुथरा। ये मैंने 400 रुपये दिया है उनको और इसका वज़न है 3.5 किलो। तो इससे मैं बनाऊंगा फिंगर, और इसी का फिंगर अच्छा होता है। इससे पहले मैंने लिया था सारम, लेकिन वो मज़ा नहीं आया उसमें, वो उसका गोश्त ना थोड़ा फीका होता है। तो ये दूसरी बार मैं ले रहा हूँ, दूसरा ऑर्डर है ये उसका अमरूस का, इसका जायका भी बहुत अच्छा होता है। मैंने ख़ुद भी ये यूज़ किया है घर पे, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। तो दोस्तों अगर आपको भी किसी भी किस्म का मछली चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको मुनासिब कीमत में आपको ताज़ा मछली मिलेगी। देखो बिल्कुल वाइड गोश है इसका, ये सबसे छोटा दाना था, बाकी इससे बड़े दाने थे।
दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे हर किस्म की नई अपडेट आपके पास आता रहे। ये देखो दोस्तों, बिल्कुल खाली हो गया, सिर्फ जो है ना ये कांटे ही बचा है, बाकी गोश्त सारा इससे निकल गया।
माशाल्लाह दोस्तों, देखो कैसा साफ सुथरा गोश्त निकला है, बिल्कुल ज़बरदस्त।